तो हेलो लो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 7 एंड 7S डिवाइस में प्रोजेक्ट इन्फिनिटी जो कस्टम रोम है वो आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जो कस्टम रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगा, तो इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए जो TWRP जो डायनेमिक पार्टीशन वाला कस्टम रिकवरी है वो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जो रोम का एंड जो रिकवरी का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और जो फाइल है वो आपको SD कार्ड में डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फ़ोन को जो पावर अप करना पड़ेगा, तो मैं पावर अप कर लेता हूँ। तो पावर अप करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जो रिकवरी मोड में जाना होगा। जो भी रिकवरी आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, तो रिकवरी मोड के जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर से जो पावर बटन है एंड वॉल्यूम अप बटन है वो एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस करने के बाद जब भी लोगो आएगा तो आपको पावर बटन रिलीज कर देना है एंड वॉल्यूम आपको प्रेस करके रखना होगा। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट डाटा कर लूँगा, उसके बाद बाहर यहाँ पर स्वाइप ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस स्वाइप पर जाएंगे, यहाँ पर सिस्टम टैरबिक कैच मेटा डाटा जैसे सिलेक्ट करके सिंपली सिस्टम स्वाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बैक आकर जो इंस्टॉल में क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर जो HD का सिलेक्ट करके जहाँ भी मैं इस फोल्डर पर रोम को डाउनलोड करके रखा हूँ वो आपको सिलेक्ट कर लूँगा, रोम को सिलेक्ट कर लूँगा, सिंपली यहाँ पर से इंस्टॉल कर दूंगा। तो हमारा जो रोम इंस्टॉल होने का प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। तो हमारा जो रोम है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पर से हम बैक आना होगा। बैक आने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली रिबूट टू सिस्टम क्लिक कर देना। पर से जो हमारा जो हैंडसेट है वो धीरे धीरे रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा टाइम प्रोसेस लगेगा गाइस। तो हमारा जो रूम है सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है। तो यही था जो Redmi Note 7 एंड 7S डिवाइस में प्रोजेक्ट इन्फिनिटी कस्टम रोम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो गाइस क्या करते हो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।